बच्चों पहले डाउट्स कर लेते हैं, आप लोगों में से थोड़े से डाउट्स आए हैं, सो आई एम टेकिंग इन कॉमन जो कॉमन डाउट्स हैं। आरडी में डाउट्स होमवर्क में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका अपोजिट लिखो तो ऑब्वियसली गोइंग नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ठीक है, आपके पास चार डायरेक्शंस होती हैं, एक ईस्ट होती है, एक वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है और साउथ होती है। ठीक है, सो गोइंग नॉर्थ है, गोइंग नॉर्थ का गोइंग साउथ होगा ये साउथ। ठीक है, सो आंसर इज गोइंग साउथ। ठीक है, सो थर्ड नंबर है क्वेश्चन 4 का थर्ड, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्मॉलर। इसमें से कौन सा स्मॉलर है? ठीक है, 8 और 13 में से कौन स्मॉलर है, कौन छोटा है 8 एंड 13 में से? 8 छोटा है कि 13? सो दिस इज ऑल्सो कॉमन सेंस। 8 छोटा है कि 13? मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं, मेरे भाई के पास 13 चॉकलेट्स हैं, तो किसके पास कम है, कौन छोटा हुआ? 8। ठीक है, सो 8 आंसर क्या होगा? 8। अच्छा क्वेश्चन 5 देखें, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज लार्जर। कौन बड़ा है? 0 बड़ा कि 7? फिर से मेरे पास 0 पेंसिल है, मेरे भाई के पास 7 पेंसिल है। ठीक है, 0 मतलब कुछ भी नहीं और 7 मतलब 7, तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ? सो आंसर इज 7। ठीक है, सो विच इज लार्जर, आंसर 7 इज लार्जर। क्वेश्चन 8, रिप्लेस स्टार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय लेस देन और ग्रेटर देन। सो आंसर में आपको स्टार की जगह ग्रेट या स्मॉलर लिखना है, 15। सो -18 बड़ा कि 15 बड़ा? तो मैंने आपको बताया था एक भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होता है, चाहे या -1000 होता ना, -1000 और यहाँ 15 होता तो भी ये छोटा ही होता। ठीक है, कोई भी नेगेटिव हमेशा छोटा ही होता है, याद रखना। भले सामने 1 हो, सामने 1 हो और नेगेटिव में 1 लाख हो, जैसे नेगेटिव में 1 लाख हो, ठीक है, नेगेटिव में अगर 1 लाख है, ठीक है, नेगेटिव में 1 लाख है और सामने आपका सामने है आपका 1, तो भी यही बड़ा होगा, नेगेटिव क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सो कभी भी आपका नेगेटिव किसी भी पॉजिटिव, कितना भी छोटा पॉजिटिव क्यों ना, उससे छोटा होता है, इवन नेगेटिव 0 से भी छोटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1000 है और सामने 0 है तो भी आपका नेगेटिव छोटा ही होगा। सो कोई भी नेगेटिव 0 से या किसी भी पॉजिटिव से छोटा ही होता है, ऑलवेज 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 रिमेम्बर दैट। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। ठीक है, सो दीज वर द डाउट्स, नाउ मूविंग अहेड विद अवर एक्सरसाइज ऑफ NCERT। बच्चों अभी क्वेश्चन 4 देखो, आपका क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 6.1 का, क्वेश्चन 4 पेज 120 एक्सरसाइज 6.1 NCERT। ठीक है, क्या है? एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। कह रहा है ये जो बाजू में फिगर है वो वर्टिकल नंबर लाइन है। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको ऑब्जर्व करो और पॉइंट्स लिखो। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। कह रहा है अगर ये पॉइंट डी +8 है तो -8 कहाँ होगा? तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना, तो पहले ये देखो ये क्वेश्चन है, तो आप पहले ये पूरे नंबर लाइन भर दो, सब भर दो। कैसे भरोगे? तो देखो ये 0 है ना, ये क्या है, ओ ओ मतलब 0, ये 0 है, 0 फिर यहाँ क्या आएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, ये सारी भर दी, अब यहाँ भी भर दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन। सो इस तरह से नंबर लाइन हमने कंप्लीट की। अभी आंसर करते जाओ, क्या बोल रहा है पहला, ए इफ पॉइंट डी इज प्लस प्लस एट देन विच पॉइंट इज माइनस एट, माइनस एट क्या है, तो देखो माइनस एट क्या है, एफ, तो एफ इज माइनस एट। आंसर क्या लिखोगे, आंसर एफ इज माइनस एट। ठीक है, बी नंबर क्या पूछ रहा है, इज पॉइंट जी और नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सो जी देखो जी क्या है, जी नेगेटिव है, माइनस सिक्स मतलब नेगेटिव, माइनस की साइन मतलब नेगेटिव इंटीजर, सो जी इज आंसर जी इज नेगेटिव इंटीजर। सी वाला आंसर, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई, बी एंड ई के लिए इंटीजर्स लिखो, तो बी क्या है आपका, बी है प्लस फोर, ई क्या है माइनस एट। ठीक है, बी इज प्लस फोर, ई है माइनस टेन, सो बी इज प्लस फोर, बी इज प्लस फोर एंड E is minus 10. E is minus 10. E is minus 10. Next, देखो D. Which point mark on this number line has the least value? Least मतलब सबसे कम value किसकी है? इस number line पे सबसे छोटी value किसकी है? So देखो सबसे छोटा minus 10. मैंने आपको बोला था ना, negative में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है. 10 बड़ा number है पर minus है, तो वो क्या हो गया, सबसे छोटा. So minus 10 is the least value. सबसे छोटा है minus 10. So answer माइनस टेन इज द लीस्ट वैल्यू। फिर ई, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, सारी पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, सो सारे पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो पॉइंट्स कौन सी हैं, तो देखो एक ये प्लस एट है, प्लस फाइव है, प्लस फोर है, प्लस टू है, माइनस टू, माइनस सिक्स, माइनस टेन। ठीक है, तो इन सारी पॉइंट्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इन सारी पॉइंट्स को आपको डिक्रीजिंग में। ठीक है, सो देखो डी क्या है, पहले लिख लो कौन क्या है, देखो डी क्या है, प्लस एट, डी प्लस एट है, सी प्लस फाइव है, बी प्लस फोर है, ए प्लस टू है, तो देखो ऐसे ही डिक्रीजिंग होगा ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डी, सबसे बड़ा कौन है, डी। ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड है, डी। फिर इसके बाद क्या है, सी, फिर उसके बाद ए, बी, सॉरी डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, डी सी बी ए, डी सी डी ए। ठीक है, डी सी बी ए, डी सी बी ए, एच जी एफ ई, एच जी एफ ई, सो डी सी बी ए, एच जी एफ ई, D C B A H G F E। सो ये सारे पॉइंट्स क्या है, अच्छा O भी है, ठीक है, ये O भी पॉइंट है, O भी अल्फाबेट है, वो भी आएगा बीच में। ठीक है, सो A के बाद
OH. पता लगा कैसे किया? डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, तो ये सब बड़े से छोटा ही तो है सब कुछ। देखो D प्लस एट है और ये O का मतलब जीरो, O जीरो ही है ना, ठीक है। O क्या है? जीरो है। सो तो देखो यहाँ पे फिर प्लस एट, देखो बड़ा, फिर उससे छोटा प्लस फाइव, फिर उससे छोटा प्लस फोर, फिर प्लस टू, फिर जीरो, फिर माइनस टू, फिर माइनस सिक्स, फिर माइनस एट, फिर माइनस टेन। तो डी सी बी ए ओ एच जी एफ ई, ठीक है। तो ये सारे डी सी बी ए, बी सी बी ए ओ एच जी एफ ई, ठीक है। सो दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। मतलब नंबर लाइन में ही सारा सम था। देखो नंबर लाइन क्या होती है, जैसे देखो अगर ऐसे बना रहे हो तो ये जीरो यहाँ होता है सेंटर में, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पर अगर आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है, तो ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं और नीचे सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, ठीक है। सो अभी हमें ये दिया हुआ था, तो ये सारे ऊपर पॉजिटिव, ये सारे नेगेटिव। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन 5 देखो, एक्सरसाइज 6.1 पेज 121 पे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ फाइव प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। कह रहा है ये इंडिया की जगहों की लिस्ट है और इनका टेम्परेचर है, मतलब एक दिन इन सब जगहों का टेम्परेचर लिया गया और उस एक दिन के टेम्परेचर लिखा गया है। सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, इन सब का टेम्परेचर दिया है और यहाँ ब्लैंक ब्लैंक लगाया है। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है, ए राइट टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। कह रहा है कि इन जगहों के टेम्परेचर लिखो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इन जगहों के टेम्परेचर लिखो। बी फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। बोल रहा है इस नंबर लाइन पे जगहों के नाम लिखो इन टेम्परेचर के। सी विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है। डी राइट नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, उन जगहों के नाम लिखो जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया, अब करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? पांच जगहों के नाम और उनके टेम्परेचर लिखे हैं। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट ए में क्या बोल रहा है? राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इन जगहों के टेम्परेचर लिखो लिखो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिखोगे? -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस क्या लिखोगे? -2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अबव मतलब ऊपर, मतलब प्लस, तो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, प्लस 30 डिग्री सेल्सियस लिखो या खाली 30 डिग्री सेल्सियस लिखो, एक ही बात है। खाली 30 डिग्री लिखोगे तो भी चलेगा। 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस नीचे तो -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब यहां देखो क्या बोल रहा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस, तो ये आपने लिख दिया इंटीजर्स के फॉर्म में, मतलब नंबर के फॉर्म में, जहाँ बिलो था वहां माइनस लगाया
और जहाँ अबव था वहां प्लस, तो प्लस तो प्लस ही होता है, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं ये जो नंबर लाइन है इसमें नंबर्स हमने डिग्री सेल्सियस में दिखाए हैं। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट, इसके सामने इसकी सिटी का नाम लिखो। तो ये सियाचिन, सियाचिन क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। क्या है सियाचिन? -10 डिग्री सेल्सियस। या नंबर लाइन पे देखो -10 कहाँ है, ये है -10। तो यहाँ क्या लिखोगे? सियाचिन लिखो, सियाचिन, ठीक है। अच्छा अब ऊपर जगह नहीं है, वैसे ऊपर लिखना अच्छा था, नीचे लिख रहे, ठीक है। फिर शिमला, शिमला क्या है? शिमला है -2 डिग्री सेल्सियस। क्या है? -2। तो देखो यहाँ 0, -1, -2, तो ये होगा -2। तो यहाँ क्या लिखोगे? शिमला, शिमला, ठीक है। इसका अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, ठीक है। अहमदाबाद, सो 30 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद पे होगा। सो दिल्ली, दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस है, अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस है। सो 20 डिग्री सेल्सियस क्या है? दिल्ली। श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -5 डिग्री सेल्सियस क्या है? श्रीनगर। ठीक है, सो दीज आर द टेम्परेचर्स, ठीक है। सियाचिन है -10 डिग्री सेल्सियस, फिर शिमला है -2 डिग्री सेल्सियस, फिर अहमदाबाद है 30 डिग्री सेल्सियस, फिर दिल्ली है 20 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर है -5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन 5 का बी हुआ, ठीक है। सिर्फ नाम लिखने थे, ठीक है, मैंने नाम लिख दिए सबके। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं? सी, सी पूछा विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है। अच्छा आपको पता है सबसे ठंडी जगह कैसे लिखी जाती है? मतलब जितनी नेगेटिव में ना उतनी ज्यादा ठंडी, जितना नेगेटिव उतना ज्यादा ठंडा। तो यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव में क्या है? सो सियाचिन है, देखो -10, तो ये सबसे ज्यादा ठंडी जगह है, तो सियाचिन, ठीक है, -10 सियाचिन, सियाचिन। राइट नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा है, उन जगहों का नाम लिखो। तो 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर किस किस का ज्यादा है? दिल्ली एंड अहमदाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद का ज्यादा है, ठीक है। सो आंसर इज दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका देखो ए है दिस, बी है दिस वन, सी का आंसर सियाचिन एंड डी इज दिल्ली एंड अहमदाबाद। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला था, मतलब इसमें ड्राइंग भी करनी है, क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग। ये नंबर लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर्स, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। सी इट प्रॉपरली,
बच्चों अभी क्वेश्चन 7 देखो. राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. कह रहा है हमने ये सब आपको दिए हैं और भी हैं, मैंने अभी 3 ही लिखे हैं. कह रहा है हमने आपको ये नंबर्स दिए हैं, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं वो सारे लिखो और इनको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी करो. दो काम करने, पहले इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी करना है. क्या बोला? राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो पहले नंबर्स लिख लो, मतलब इंटीजर्स. ठीक है, आंसर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स कौन कौन से? 0 और -7 के बीच में, बिटवीन. बिटवीन वर्ड होता है ना, तो 0 और -7 नहीं गिनोगे. जब बिटवीन वर्ड यूज होता है तो 0 और -7 नहीं गिनने का होता. सो 0 और -7 तो -1, -2, -3, -4, -5, -6. ठीक है, तो ये इंटीजर्स लिखे. अब इसको इंक्रीजिंग में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा. ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? ये वाला. मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव में क्या होता है? जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है. तो ये क्या है? सबसे छोटा, -6. फिर उससे थोड़ा बड़ा -5. फिर उससे थोड़ा बड़ा -4. फिर उससे थोड़ा बड़ा -3. उससे थोड़ा बड़ा -2 और उससे थोड़ा बड़ा -1. ठीक है, सो इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, बड़ा, छोटा, 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 उससे छोटा. ठीक है, फिर से -4 और 4 के बीच में लिखो आंसर. -4 और 4 के बीच में इंटीजर्स लिखो, इंटीजर्स. -4 और 4 के बीच में, तो -4 एंड 4 के बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ठीक है, अब इसको इंक्रीजिंग में कैसे लिखना है? तो आप देखो ये इंक्रीजिंग में ही है. देखो छोटा, थोड़ा बड़ा, बड़ा. देखो सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा. ठीक है, सो ये इंक्रीजिंग में ही है. ठीक है, ये इंक्रीजिंग में ही है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं. सेम टू सेम लिख दो इसको, इंक्रीजिंग में सेम टू सेम. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अब इसका आंसर देखो. -8 और -15 के बीच में करो. -8 और -15, -8 और -15 के बीच में कैसे करोगे आप? सो इंटीजर्स लिखो, इंटीजर्स. इंटीजर्स देखो, -8 और -15 के बीच में कैसे करोगे आप? सो -8 के बाद क्या आता है? -8, फिर -9, -10, -11, -12, -13, -14. ये सारे इंटीजर्स इसके बीच में आते हैं. अब इंक्रीजिंग करना है फिर से नेगेटिव में, जो बड़ा होता है वही छोटा होता है. सो इंक्रीजिंग यहाँ से चलूंगा, -14 से. ठीक है, सो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग चालू करना है. तो कैसे चालू करोगे इंक्रीजिंग? -14 से, -14, -13, -12, -11, -10, -9. ठीक है, -14, -13, -12, -11, -10, -9. ठीक है, सी ये हुआ. अच्छा अब डी नंबर देखो. डी क्या है आपका? -30 एंड -23. डी है -30 एंड -23. ठीक है, तो -30 और -23 के बीच में पहले नंबर्स लिखो. ठीक है, पहले इंटीजर्स. इंटीजर्स कौन कौन से होंगे इसके बीच में?
इंटीजर्स हैं -29, -28, -27, -26, -25, -24, ठीक है, -29, -28, -27, -26, -25, -24, ठीक है, ये सारे में इंटीजर्स। अच्छा, आप इनको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में करेंगे। इंक्रीजिंग में कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग में उल्टा करते हैं ना, इंक्रीजिंग में करो। सो जो बड़ा है वो छोटा होता है, ठीक है। ये बराबर ही है, छोटा उससे बड़ा ये बराबर ही है, ठीक है। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है, तो साथ में कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 ए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, ग्रेटर देन -20, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 4 नेगेटिव इंटीजर्स लो जो -20 से बड़े हो, ग्रेटर -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखो। तो आपने क्या पढ़ा है, जो छोटा वो बड़ा, तो -20 से छोटे लिखने हैं और -20 से ग्रेट लिखने हैं बड़े। तो क्या लिखोगे, -19, -18, -17, -16, ठीक है। ग्रेटर मतलब बड़े हुए, और इसमें नेगेटिव में जो छोटा वही बड़ा, तो उससे छोटे नंबर लिखे, इसका मतलब उसके बड़े नंबर लिखे, ठीक है। फिर बी, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। आंसर, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, लेस मतलब छोटे, सो किससे, -10 से। तो फिर से नेगेटिव में जो बड़ा वही छोटा, तो हमें छोटे लिखने हैं ना, तो -10 से बड़े लिखने के, -11, -12, -13, -14, ठीक है, 4 बोल रहा है ना, 1, 2, 3, 4। सो जो आपने ये बड़े नंबर लिखे, ये एक्चुअली आपने जो राइट 4 इंटीजर्स लेस देन, तो छोटे ये बड़े हैं, तो ये इसके एक्चुअली इसके छोटे हैं, ठीक है। सो आपने ये कौन सा नंबर किया, क्वेश्चन 8। अच्छा, आप क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। कह रहा है ट्रू फॉल्स लिखो, और अगर गलत हो तो उसको सही भी करो। क्वेश्चन 9 ट्रू फॉल्स है, कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है अगर गलत है तो गलत लिखो, सही है तो सही लिखो, पर अगर गलत है तो उसको सही भी करके लिखो। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 है ट्रू और फॉल्स। और करेक्ट भी करना है स्टेटमेंट, करेक्ट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए वाला देखो, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। सो ट्रू होगा कि फॉल्स, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बना के देख लो, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6,
-7, -8, -9, -10. -8 इज टू द राइट, तो -8 राइट पे है. तो देखो इस साइड राइट होता है और इस साइड क्या होता है लेफ्ट, तो बोल रहा है -8 राइट पे है, तो ये क्या होगा ट्रू, सही बात है. ठीक है, मैं चेक भी कर रही हूँ कि मैं सही हूँ कि गलत, इसलिए मैं खुद को चेक, तो ये सही बात है ट्रू. बी है, अच्छा तो भी मैंने आपको बताया भी था कि जो बड़ा होता है हमेशा वो राइट पे होता है, जो बड़ा होता है वो हमेशा राइट पे होता है. ठीक है, सेकंड देखो, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर. तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स. क्यों, देखो क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला राइट पे कौन होता है, राइट पे बड़ा होता है. ठीक है, इन -100 और -50 में से बड़ा कौन है, -50. मैंने आपको बताया था ना नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है -50. तो हमेशा बड़ा नंबर ही राइट पे होना चाहिए, तो यहाँ -100 है उसकी जगह क्या होना चाहिए -50. तो ये है फॉल्स. तो इसको सही करके लिखो, करेक्ट करेक्ट क्या लिखोगे, करेक्ट -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन. अच्छा सी नंबर देखो, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. सी, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. क्या सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है, गलत बात, -1 तो सबसे बड़ा होता है. ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, इज द लार्जेस्ट, तो ये भी फॉल्स है. ठीक है, फॉल्स. क्यों, क्योंकि आंसर करेक्ट क्या है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. ठीक है, मैं ये नेगेटिव वाली चीजें समझ गए हो ना, फिर आपको ये सब इजी लगेगा. डी, -26 इज ग्रेटर देन -25. डी, -26 इज ग्रेटर देन -25. बोल रहा है -26 -25 से बड़ा है, -26 -25 से बड़ा है, फॉल्स. क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है. ये क्या बोल रहा है, -26 बड़ा है, ये बोल रहा है -26 बड़ा है -25 के, तो ये तो गलत बात है. क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा, तो ये क्या है फॉल्स. ठीक है, तो ये भी फॉल्स. करेक्ट क्या लिखोगे, इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे, -25 इज ग्रेटर देन -26. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 10 करेंगे. क्वेश्चन 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, क्वेश्चन 10 के लिए आपको नंबर लाइन बनानी है और इन्हें आंसर करना है. ठीक है, ये सब आपने अच्छे से देख लिया होगा, आई एम रबिंग इट. ठीक है, क्वेश्चन 10, सो यू वी आर एट द एंड ऑफ अवर 6.1 एक्सरसाइज. ठीक है, ये आप लोगों की स्टार्टिंग है इंटीजर्स की, सो अब बहुत ध्यान दें, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग में बिठा लो. नेगेटिव में जो छोटा वो बड़ा, जीरो हर नेगेटिव से बड़ा होता है, पॉजिटिव भी हर नेगेटिव से बड़ा होता है. ठीक है, ये छोटी छोटी झीणी झीणी चीजें मैं घड़ी घड़ी बोलूंगी पूरे चैप्टर में, पर आप भी ध्यान से सुनोगे. ठीक है, सो नाउ वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है,
So what is our question number 10? Draw an upper line and answer the following. Question 10. Draw a number line and answer the following. Okay, so A, which number will we reach if we move 4 numbers to the right of minus 2? A, which number will we reach if we move 4 numbers to the right of minus 2. 4 numbers to the right of minus 2. ठीक है? हम कौन से नंबर पहुंचेंगे? Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of minus 2? ठीक है? Draw a number line. Number line draw कर दी है. Draw a number line. ठीक है? क्या बोल रहे हैं? Which number if we move 4 numbers to the right of minus 2? Minus 2 के right में जाना है, ठीक है? So ये 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अच्छा, अब क्या बोल रहा है? Which number will we reach? हम कौन सा number पहुंचेंगे? If we move 4 numbers to the right of minus 2, तो ये minus 2 है ना? ये माइनस टू है आपका, ठीक है? तो यहां से कहां जाना है आपको? यहां से राइट में जाना है. राइट मतलब इस साइड होता है, ठीक है? ये साइड क्या होती है? राइट. और ये साइड होती है लेफ्ट. तो आपको राइट माइनस टू के राइट में चार नंबर्स चलने हैं, ठीक है? सो यहां 1, 2, 3, 4 चार नंबर चले. तो कहां पहुंच गए? चार नंबर चल के आप पहुंच गए 2 पे. कहां पहुंच गए? 2 पे. सो आंसर क्या लिखोगे? 2. ठीक है, आंसर इज 2. ठीक है. अच्छा, अब बी नंबर देखो. बी नंबर, व्हिच नंबर विल वी रीच Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? To the left of 1, ठीक है? 1 से 5 number left जाना है, ठीक है? 5 numbers to the left of 1, ठीक है? So answer, फिर से number line बनाएंगे. Which number will we reach if you move 5 numbers to the left of 1, ठीक है? So यहां देखो, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So यहां minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? 1 कहाँ है? ये है 1. 1 से कहाँ जाना है? Left. 1 से कहाँ? To the left of 1. कितने numbers? 5 numbers. तो देखो, ये right होता है और ये क्या होता है? Left. तो लेफ्ट से कितने नंबर? लेफ्ट जाना है ऐसे. तो लेफ्ट से कितने नंबर जाना है? 5 नंबर्स. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो कहां पहुंच गए आप? माइनस 4 पे, ठीक है? सो आंसर क्या होगा? आंसर माइनस 4, ठीक है? माइनस 4 पे पहुंचेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो. अभी हम सी पे पहुंचेंगे, ठीक है? सो सी क्या बोल रहा है हमारा? सी बोल रहा है इफ वी आर एट ए माइनस 8, ठीक है?
see if we are at minus 8. अगर आप minus 8 पे हो on the number line, if we are at minus 8 on the number line, in which direction should we move to reach 13? In which direction should we move to reach minus 13? So answer, पहले तो number line बनाओ. If we are at minus 8, if we are at minus 8 on the number line, in which direction should we move to reach minus 13? ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आप, if we are at minus 8, ठीक है, अगर आप minus 8 पे हो, ठीक है, और minus 13 पे आपको पहुंचना है. सो यहाँ देखो 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12, minus 13. ठीक है, क्या बोल रहा है, if we are at minus 8, अगर आप minus 8 पे हो तो आप in which direction should we, आपको minus 13 पे पहुंचना है, तो minus 13 ये रहा ना, तो ये कौन सी direction में आप जा रहे हो minus 13 के लिए. देखो इसको बोलते हैं right और इसको बोलते हैं left, तो आप कौन सी direction में गए, लेफ्ट में. सो आंसर लेफ्ट, लेफ्ट. ठीक है, लास्ट डी नंबर, डी नंबर में क्या बोल रहा है, डी नंबर में बोल रहा है कि इफ वी आर एट माइनस सिक्स ऑन द नंबर है, डी if we are at minus 6 on the number line, ठीक है, अगर आप minus 6 पे हो number line पे, if we are at minus 6 on the number line, in which direction should we move reach minus 1. ठीक है, फिर से, if we are at minus 6, ठीक है, if we are at minus 6, ठीक है, if we are at minus 6, तो देखो यहाँ पे 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, ठीक है, if we are at minus 6 on the number line, कह रहा है अगर आप माइनस सिक्स पे हो तो आपको माइनस वन पहुंचने के लिए कैसे जाना पड़ेगा. सो यहाँ देखो इस साइड माइनस वन, ठीक है, सो ये क्या होगा, राइट. सो आंसर इज राइट. ठीक है, सो दीज वर योर फोर क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 ABCD. Now I am giving you few homework from RD Sharma. ठीक है, RD Sharma में से थोड़ा homework दे रही हूँ मैं आपको. आज का वीडियो आप एक दो बार ही अच्छे से देखना. आज थोड़ा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा आपको शायद टफ लगा होगा, पर आपको घड़ी घड़ी वीडियो देखना, आप क्लियर हो जाओगे. ठीक है, होमवर्क में लिखो. होमवर्क में होमवर्क आरडी शर्मा में पेज 5.6 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 10
क्वेश्चन 11। अच्छा क्वेश्चन 11 रहने दो, क्वेश्चन 13, ठीक है, 9, 10 और 13, ठीक है। सो बस इतना ही है, 9, 10 और 13 नंबर ही करना है आपको। सो आई थिंक, आई होप आप कर पाओगे, इतना डिटेल में कराया आज मैंने। सो दो तीन बारी वीडियो अच्छे से देखना, ये आप आराम से 9, 10 और 13 बिना किसी की हेल्प के आप खुद ही बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज डू इट वेरी सीरियसली एंड बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करना, मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलें, थैंक यू।